Hey guys, welcome back to my channel. So guys, आज मैं जो फेशियल करने वाली हूँ वो है कर्ड फेशियल, यानी कर्ड से हम फेशियल करेंगे। घर की बनी हुई दही से मैं फेशियल करने वाली हूँ। दही को मैंने छान लिया ताकि उसका जितना भी पानी होगा वो सारा निकल जाए, ताकि हमें एक थिक दही मिल पाए जिससे कि हम फेशियल कर पाए। और कर्ड फेशियल जो होता है उसमें लैक्टिक एसिड होता है, वो हमारी स्किन के लिए बेस्ट होता है क्योंकि ये एंटी एजिंग का काम भी करता है, स्किन को हाइड्रेट रखता है, स्किन की मॉइस्चराइजर को बना के रखता है, स्किन में जो भी मॉइस्चराइज होता है उसको बना के रखता है, ड्राई नहीं होने देता है, साथ के साथ हमारी स्किन से दाग धब्बों को दूर करता है। इसमें मैंने कॉफी ऐड किया है, हल्दी ऐड किया है, तो जब भी हम फेयरनेस का नाम लेते हैं तो हल्दी का नाम यहां पर जरूर आता है। तो कस्तूरी हल्दी मैंने इसमें ऐड किया है, साथ में ऐड किया है मैंने इसमें कॉफी। तो ये सारी ही चीजें हमारी स्किन के दाग धब्बों को दूर करने के लिए, एंटी एजिंग के लिए, और साथ के साथ हमारी स्किन को ग्लो बनाने के लिए, हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए बेस्ट होती है। तो यहां पर जिस तरीके से मैंने स्टेप्स को फॉलो किया है, आप भी उन स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। मतलब जिस तरीके से यहां पर मैंने स्टेप्स किए हैं फेशियल के, उसी तरीके से उन स्टेप्स को आप फॉलो कीजिएगा, कहने का मतलब ये था। और साथ के साथ इस फेशियल को आप हफ्ते में 2 से 3 बार जरूर कर सकते हैं। इससे आपकी स्किन क्लीन ही रहेगी, नुकसान नहीं होगा क्योंकि ये बिल्कुल भी केमिकल फ्री है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, तो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है आपकी स्किन के लिए। और इस फेशियल को करने के लिए हमें यहाँ पर 4 स्टेप फॉलो करने होंगे, ठीक है। 4 स्टेप में हमारा ये फेशियल कंप्लीट हो जाएगा, तो बहुत टफ नहीं है, बहुत ईजी है और बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो रोज रोज तो देखिए रोज रोज भी नहीं बोल सकते, यानी हफ्ते में और महीने में ऐसा नहीं होता है कि हम बार बार पार्लर जा सकें, ठीक है, क्योंकि ये एक टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है, हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है, और दूसरा होता है पैसों के ऊपर भी डिपेंड करता है क्योंकि इतना महंगा होता है ट्रीटमेंट पार्लर का, तो वो हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो क्या होता है ना, ऐसा होता है महंगे फेशियल भी आते हैं, सस्ते फेशियल भी आते हैं, लेकिन बात जब आती है हमारी स्किन से रिलेटेड तो हम लोग इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। हम लोग सोचते हैं महंगा फेशियल करवाते हैं यार वो हमारी स्किन के लिए बेस्ट होगा, तो ऐसा जरूरी नहीं होता है कि महंगा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो वो हमारी स्किन के लिए बेस्ट हो। सूट करने के ऊपर भी होता है, हो सकता है कि हम कोई सस्ता फेशियल करवा रहे हैं वो हमें सूट कर जाए, महंगा फेशियल सूट ना करे, लेकिन उसमें भी रिस्क रहता है अगर वो फेशियल हमारी स्किन को नुकसान दे जाए, ये भी हो सकता है ना। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग अपने घर पर ही मैक्सिमम अपनी स्किन की केयर करके इस तरीके से अपनी स्किन को क्लीन रख सकते हैं, दाग धब्बों को दूर रख सकते हैं, स्किन को टाइट रख सकते हैं, और अपना टाइम भी बचा सकते हैं और अपने कुछ पैसे भी बचा सकते हैं। तो यहां पर मैंने आपको बहुत कम टाइम में ये फेशियल करके दिखाया है, तो आप भी इस फेशियल को जरूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने स्टेप्स करते हैं। तो यहां पर जो 4 स्टेप्स मैं आपको बता रही हूं, पहला स्टेप है क्लींजिंग। क्लींजिंग करेंगे हम राइस वाटर से, और राइस वाटर कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूं। सेकेंड स्टेप हम करेंगे एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन करेंगे हम यहां पर बेसन से, ठीक है, जो कि एकदम सेमी स्क्रब होगा, यानी कि उसमें बहुत दरदरापन नहीं होता है, इसीलिए हम एक्सफोलिएशन करेंगे बेसन से। और उसके बाद हम फेशियल करेंगे दही हल्दी और कस्तूरी हल्दी और कॉफी से। और उसके बाद उसी जिससे हमने फेशियल किया है उसको हम 15 मिनट के लिए अपने फेस पर रख देंगे, और उसके बाद हम इसे आपको क्लीन करके दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर मैंने राइस को रात भर भिगा कर रख दिया था, और सुबह जो इसका पानी है वो यहां पर मुझे राइस वाटर बनकर मिल चुका है जैसा मुझे चाहिए था। अब मैं यहां पर इसे ये जो पानी है इसको ले लेती हूं और इससे मैं अपने फेस की क्लींजिंग करूंगी। तो यहां पर मैं कर रही हूं एक्सफोलिएशन, और एक्सफोलिएशन के लिए मैंने यहां पर बेसन और राइस वाटर का यूज किया है। तो ये दोनों ही हमारी स्किन के लिए बेस्ट होते हैं, जो कि ये एक्सफोलिएशन करने से, बेसन और राइस वाटर से, हमारी स्किन के अंदर की जो भी गंदगी होगी वो बहुत अच्छे तरीके से उसको रिमूव कर देगा, स्किन को क्लीन कर देगा, ताकि हम जो भी प्रोसेस आगे करें उसका जो रिजल्ट है हमें बेस्ट मिले।
कर रही हूँ फेशियल करना। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं कर्ड फेशियल, जिसमें की है कॉफी और हल्दी। तो ये तीनों ही चीजें स्किन के दाग धब्बों को दूर करेगी, स्किन को टाइट रखेगी, स्किन को क्लीन करेगी और अंदर से ही हमारी स्किन को यंग बनाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मसाज करना। वाह, क्या खुशबू है। मेरा जो फेशियल है वो कंप्लीट हो चुका है और अब मैं इसे ऐसे ही रहने दूंगी कम से कम 15 मिनट के लिए। ठीक है, 15 मिनट के लिए इसको ऐसे ही रहने दूंगी। ये ड्राई होगा या जो भी होगा इसका रिजल्ट, मैं ऐसे रहने दूंगी इसको और उसके बाद 15 मिनट के बाद मैं इसको क्लीन करती हूं।